नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सक्सेस स्टेप्स के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 13 जुलाई का दिन और 13 जुलाई के दिन जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न बन सकते हैं उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देख लेते हैं आज के दिन यानी 13 जुलाई के दिन कौन कौन से इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न बन सकते हैं। पहला इम्पोर्टेंट प्रश्न आज का हमारा है, हाल ही में एक अमेरिकी सॉफ्टवेयर कंपनी रेड हैट का अधिग्रहण किस कंपनी के द्वारा किया गया है। तो हाल ही में दोस्तों IBM यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन यानी IBM के द्वारा दोस्तों हाल ही में अमेरिकी सॉफ्टवेयर कंपनी जिसका नाम था रेड हैट, इसका अधिग्रहण कर दिया गया, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही है। बात करें इस प्रश्न के डिटेल के बारे में तो हाल ही में दोस्तों इंटरनेशनल बिजनेस मशीन यानी IBM ने टोटल $34 अरब में अमेरिकी सॉफ्टवेयर कंपनी रेड हैट का अधिग्रहण किया है। तो आप याद कर लीजिएगा टोटल $34 अरब में इस कंपनी का अधिग्रहण किया गया है IBM यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के द्वारा। अगर हम बात करें जिस कंपनी के द्वारा इसका अधिग्रहण किया गया है IBM के बारे में, तो सबसे पहले आपके लिए इसका फुल नेम इम्पोर्टेंट है। तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन IBM का फुल नेम होता है, यह एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय IT कंपनी है। इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो 16 जून वर्ष 1911 को इसकी स्थापना की गई थी। सबसे पहले जब इसकी स्थापना की गई तो इसका नाम रखा गया था कंप्यूटिंग टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी। क्या नाम था स्टार्टिंग में इसका? कंप्यूटर टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी। बाद में वर्ष 1924 में इसका नाम बदल के IBM कर दिया गया। इसके बाद इसका हेडक्वार्टर आपके लिए इम्पोर्टेंट है, IBM का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो न्यूयॉर्क शहर में इसका हेडक्वार्टर, न्यूयॉर्क के अरमोंक में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। दोस्तों यह जो कंपनी है दुनिया भर में टोटल 170 से अधिक देशों में काम करती है। तो ये थी थोड़ी सी जानकारी दोस्तों IBM से रिलेटेड। यहाँ पे आप पिक्चर में देख पा रही है रेड हैट कंपनी का लोगो, तथा इसी कंपनी को दोस्तों अधिग्रहण कर लिया गया है IBM के द्वारा यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के द्वारा। यह एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। ये तो बात हुई कंपनियों के बारे में। अगर हम बात करें अमेरिकी देश के बारे में, जिस देश की ये कंपनियां हैं, तो सबसे पहले अमेरिका की जो राजधानी है वो है Washington DC, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति पूछा जा सकता है, तो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। उसके बाद उपराष्ट्रपति आपके लिए इम्पोर्टेंट है अमेरिका के, तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है? तो माइक पेंस। कौन है? माइक पेंस दोस्तों प्रेजेंट टाइम में अमेरिका के उपराष्ट्रपति है। और चौथी चीज़ जो पूछी जा सकती है आपसे अमेरिका से रिलेटेड, वहाँ की करेंसी, तो US डॉलर। क्या है? US डॉलर अमेरिका के प्रेजेंट टाइम में करेंसी है। तो इतनी चीज़ें बस आपको याद रखनी है इस प्रश्न से रिलेटेड। तो दोस्तों ये था आज का हमारा 13 जुलाई के करंट अफेयर्स का पहला प्रश्न। आई होप आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो इस पर एक लाइक आप ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो आइए आगे बढ़ के देख लेते हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न आज के दिन के हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, भारत रूस के बीच द्वितीय सामरिक आर्थिक वार्ता का आयोजन किस शहर में किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में भारत व रूस के बीच द्वितीय सामरिक आर्थिक वार्ता का जो आयोजन है वो किस देश में, किस शहर में किया गया। तो हाल ही में नई दिल्ली में। कहाँ? हाल ही में दोस्तों नई दिल्ली में भारत रूस के बीच द्वितीय सामरिक आर्थिक वार्ता का आयोजन किया गया, यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। बात करें इस प्रश्न के डिटेल के बारे में तो भारत और रूस के बीच द्वितीय सामरिक वार्ता का आयोजन दोस्तों नई दिल्ली में किया गया। यह आयोजन डॉक्टर राजीव कुमार जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं तथा रूस के आर्थिक विकास डिप्टी मंत्री तिमूर माक्सी मोव की अध्यक्षता में किया गया। अगर हम बात करें भारत रूस सामरिक आर्थिक वार्ता की, तो यह जो भारत और रूस के बीच सामरिक आर्थिक वार्ता है यह दोस्तों नीति आयोग तथा रूस के आर्थिक विकास मंत्रालय के बीच मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद इस वार्ता की स्थापना की गई। इस MOU पर दोस्तों भारत रूस द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन के 19वें संस्करण के दौरान 5 अक्टूबर 2018 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए। इसके बाद भारत और रूस के बीच जो प्रथम सामरिक वार्ता थी इसका आयोजन रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में 25 नवंबर वर्ष 2018 को किया गया। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, प्रश्न में पूछा जा सकता है कि प्रथम वार्ता जो भारत और रूस के बीच सामरिक आर्थिक वार्ता थी इसकी जो पहली बैठक थी वह कहाँ की गई थी। तो
इसका आयोजन रूस का जो शहर है सेंट पीटर्सबर्ग वहाँ किया गया था। कब किया गया? तो 25 नवंबर वर्ष 2018 को। तथा दूसरी पूछे तो दूसरा नई दिल्ली में हाल ही में आयोजित किया गया। अगर हम बात करें रूस के बारे में तो यहाँ पे मैप आप देख पा रहे हैं, यह है रसिया का मैप। क्या है दोस्तों? ये है रसिया का मैप। और इसके पड़ोसी देशों की अगर हम बात करें तो यहाँ पे छोटी सी सीमा नॉर्वे की रखती है, ग्रीन कलर का नॉर्वे है। उसके बाद फिनलैंड की सीमा लगती है, उसके बाद यूक्रेन की सीमा, ये सभी देश हैं। उसके बाद कजाकिस्तान, मंगोलिया, चाइना की सीमा यहाँ से टच होती है। तो ये सभी इम्पोर्टेंट देश हैं जिनकी सीमाएं किससे टच होती हैं, तो रसिया से टच होती हैं। इसके बाद दोस्तों नॉर्थ कोरिया की भी छोटी सीमा रसिया से लगती है, तो इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ये तो बात हुई रसिया के भौगोलिक स्थिति की। अगर हम बात करें रसिया के कुछ राजनीतिक स्थिति के बारे में, तो यहाँ के सबसे पहले प्रेसिडेंट, यहाँ के राष्ट्रपति आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। रसिया के राष्ट्रपति प्रेजेंट टाइम में कौन है? तो व्लादिमीर पुतिन। कौन है? व्लादिमीर पुतिन रसिया के राष्ट्रपति हैं। और प्रेजेंट टाइम में रसिया की राजधानी क्या है? तो यहाँ पे आप देख पा रहे, यह है मास्को। और प्रेजेंट टाइम में मास्को रसिया की राजधानी है। और रसिया की करेंसी आपसे पूछी जा सकती है प्रेजेंट टाइम में क्या है? तो रसिया की करेंसी प्रेजेंट टाइम में रूबल है। क्या है? रूबल दोस्तों प्रेजेंट टाइम में रसिया की करेंसी है। और एक चीज़ और जो रसिया से रिलेटेड फैक्ट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रसिया एरिया के मामले में पूरे विश्व में नंबर वन पे आता है। अगर पूछे कि क्षेत्रफल के मामले में नंबर वन पे देश कौन सा है, तो वो हो जाएगा आंसर आपका रूस, एरिया के मामले में नंबर वन पे आता है। तो इतनी सारी चीज़ें बस आपको याद रखनी है इस प्रश्न से रिलेटेड। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा आज का है, हाल ही में किस देश में मीडिया की स्वतंत्रता पर पहला वैश्विक सम्मेलन आयोजित किया गया? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। तो हाल ही में दोस्तों लंदन में, कहाँ? हाल ही में लंदन में मीडिया की स्वतंत्रता पर पहला वैश्विक सम्मेलन आयोजित किया गया। यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही है, लंदन में इसका आयोजन किया गया। बात करें इस प्रश्न के डिटेल के बारे में, तो मीडिया की स्वतंत्रता पर पहला वैश्विक सम्मेलन यूके और कनाडा द्वारा लंदन में सह आयोजित किया गया। तो किसके द्वारा? यूके और कनाडा ने मिलकर इस सम्मेलन का आयोजन किया लंदन में। तो आप इसे भी याद कर लीजिएगा। प्रसार भारती के अध्यक्ष ए सूर्य प्रकाश, राज्यसभा सांसद व पत्रकार स्वपन दास मुक्ता तथा पत्रकार व राजनीतिक विश्लेषक कंचन गुप्ता सहित 3 सदस्यीय भारतीय मीडिया प्रतिनिधिमंडल ने दोस्तों इस सम्मेलन में भाग लिया। तो इनके बारे में भी आपको याद रखिएगा कौन कौन इस सम्मेलन में भारत की तरफ से भाग लिए थे। इसके बाद अगर हम बात करें लंदन के बारे में, जहाँ पे इस मीडिया सम्मेलन का आयोजन किया गया, तो लंदन की राजधानी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो लंदन की राजधानी क्या है? तो प्रेजेंट टाइम में लंदन की जो राजधानी दोस्तों, तो लंदन किसकी राजधानी है? तो यूनाइटेड किंगडम। यहाँ पे मैप पे आप देख पा रही है यूनाइटेड किंगडम, तथा यूनाइटेड किंगडम की जो राजधानी है लंदन, तथा इसी पे यहीं पे हाल ही में मीडिया सम्मेलन का आयोजन किया गया। अगर हम बात करें यूके के प्राइम मिनिस्टर की, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो यूके के प्राइम मिनिस्टर प्रेजेंट टाइम में कौन है? तो थेरेसा मे। कौन है? थेरेसा मे प्रेजेंट टाइम में यूके की प्राइम मिनिस्टर है। इसके बाद यूके की करेंसी अगर आपसे पूछे तो यूके की करेंसी प्रेजेंट टाइम में क्या है? तो यूके की करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। क्या है? पाउंड दोस्तों, पाउंड स्टर्लिंग प्रेजेंट टाइम में यूनाइटेड किंगडम की करेंसी है। तो बस इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है इस प्रश्न से रिलेटेड। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, हाल ही में किसे प्रवासी भारतीय मामलों के सचिव के रूप में चुना गया, यानी नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में दोस्तों विकास स्वरूप को। किसको? हाल ही में विकास स्वरूप को, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही है। हाल ही में विकास स्वरूप को प्रवासी भारतीय मामलों के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया, यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। बात करें इस प्रश्न के डिटेल के बारे में, तो यहाँ पे पिक्चर में आप देख पा रहे हैं विकास स्वरूप। इन्हीं को दोस्तों मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने विदेश मंत्रालय के सचिव के रूप में ओटावा में उच्चायुक्त श्री विकास स्वरूप की नियुक्ति को मंजूरी दे दी गई है। तो ये हैं विकास स्वरूप, तथा इन्हीं को नियुक्त किया गया है विदेश मामलों के सचिव के रूप में। तो आप इन्हें भी याद कर लीजिएगा। इसके बाद अगर हम बात करें अगले इंपॉर्टेंट प्रश्न की, तो अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, हाल ही में आयोजित कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक अपने नाम किए हैं? तो हाल ही में आयोजित दोस्तों कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत ने कुल 4 स्वर्ण पदक अपने नाम किए हैं, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। बात करें अगर इस प्रश्न के डिटेल के बारे में, तो भारत ने एपिया सामोवा में आयोजित राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन
चैंपियनशिप में टोटल 4 स्वर्ण पदक नाम अपने नाम किए हैं। अगर हम पदक विजेताओं की बात करें तो यहाँ पे पुरुष एथलीट और जूनियर में अचिंता सूली ने 73 किलोग्राम इवेंट में 2 स्वर्ण पदक अपने नाम किए हैं। उसके बाद जूनियर की बात करें तो गुलाम नबी ने 67 किलोग्राम इवेंट में स्वर्ण पदक अपने नाम किए हैं। उसके बाद जूनियर और युवा एल सनानंद सिंह ने 73 किलोग्राम स्पर्धा में कांस्य पदक व स्वर्ण पदक जीते। उसके बाद महिला एथलीट की बात करें तो मनप्रीत कौर ने 76 किलोग्राम स्पर्धा में भारत के लिए रजत पदक दिलाए। उसके बाद जूनियर की बात करें तो आर अरोकुया अलीस ने 76 किलोग्राम इवेंट में सिल्वर मेडल अपने नाम किए। तो दोस्तों ये थे पदक विजेताओं की सूची, आप इन्हें याद कर लीजिएगा। ये जो पदक विजेता है इन्होंने पदक जीते हैं किस खेल में, तो राष्ट्रमंडल वेटलिफ्टिंग जो चैंपियनशिप हुई है उसमें यह पदक विजेताओं की सूची यहाँ पर मैंने दी हुई है, तो इनके बारे में भी आप देख लीजिएगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, हाल ही में 19वें राष्ट्रमंडल विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई। तो हाल ही में दोस्तों 19वें राष्ट्रमंडल विदेश मंत्रियों की बैठक लंदन में आयोजित की गई, यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। बात करें इस प्रश्न के डिटेल के बारे में तो हाल ही में 19वें राष्ट्रमंडल विदेश मंत्रियों की जो बैठक है लंदन में आयोजित की गई, तो दोस्तों इनके बारे में याद कर लीजिएगा। तथा भारत की तरफ से कौन भाग लिया था इसमें, तो भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर ने इस बैठक में भाग लिया था। तो आप इनके बारे में याद कर लीजिएगा, एस जयशंकर भारत के विदेश मंत्री हैं। इसके बाद जहां पर इसका आयोजन किया गया था लंदन में, इसके बारे में भी जान लेते हैं। लंदन क्या है, प्रेजेंट टाइम में यूनाइटेड किंगडम की राजधानी है लंदन। तथा यूनाइटेड किंगडम के प्रेजेंट टाइम में प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो थेरेसा मे प्रेजेंट टाइम में लंदन की प्राइम मिनिस्टर हैं, सॉरी यूके की प्राइम मिनिस्टर। और यूके की करेंसी क्या है, द पाउंड स्टर्लिंग प्रेजेंट टाइम में यूनाइटेड किंगडम की करेंसी है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, हाल ही में जारी स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया 2019 का संबंध किससे है। तो हाल ही में दोस्तों एक रिपोर्ट जारी की गई, स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया 2019, आपको बताना है कि यह रिपोर्ट का संबंध किस संस्थान से है। तो यह रिपोर्ट दोस्तों यूनेस्को के द्वारा जारी की गई, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। बात करें इस रिपोर्ट के बारे में तो स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया 2019 विकलांग बच्चों को हाल ही में नई दिल्ली में यूनेस्को द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में लॉन्च किया गया। इस कार्यक्रम दोस्तों सरकार, नागरिक समाज, शिक्षाविदों, भागीदारों और युवाओं के 200 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। वार्षिक रूप से प्रकाशित होने के लिए रिपोर्ट का 2019 संस्करण यूनेस्को ने दिल्ली द्वारा प्रकाशित अपनी तरह का पहला है। तो अब इसे याद कर लीजिएगा, यह रिपोर्ट क्या नाम है इस रिपोर्ट का, स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया। यह किसके द्वारा जारी की गई है, तो यह यूनेस्को के द्वारा जारी की गई है। दोस्तों यह जो रिपोर्ट है यह विकलांग बच्चों के शिक्षा के अधिकार के संबंध में उपलब्धियों और चुनौतियों पर प्रकाश डालती है। तो ये तो बात हुई रिपोर्ट के बारे में। अगर हम बात करें यूनेस्को के बारे में जिसके द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई है, तो यूनेस्को से रिलेटेड जो फैक्ट्स आपके दिमाग में होने चाहिए, सबसे पहले यूनेस्को का फुल नेम डायरेक्टली एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। तो इसका इंग्लिश में सबसे पहले मैं फुल नेम आपको बता रहा हूँ, यूनाइटेड, यू फॉर यूनाइटेड, एन फॉर नेशंस, ई फॉर एजुकेशन, एस फॉर साइंटिफिक एंड सी फॉर कल्चरल, ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन। तो एक बार में मैं आपको कहूँ तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इंग्लिश में इसका फुल नेम है, और हिंदी में इसको बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। इसके बाद इसकी स्थापना कब हुई थी, तो वर्ष 1946 में इसकी स्थापना की गई थी। तो इतनी चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक प्रश्न है, आपसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है इसकी स्थापना कब की गई थी। तथा इसका एक हेडक्वार्टर आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसका हेडक्वार्टर है फ्रांस की राजधानी पेरिस में। कहाँ है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में यूनेस्को का हेडक्वार्टर है। तो बस आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है इस प्रश्न से रिलेटेड। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, हाल ही में सिल्क समग्र नामक योजना को लॉन्च किया गया, इस योजना का संबंध निम्न में से किससे है। तो हाल ही में दोस्तों सिल्क समग्र नामक योजना को लॉन्च किया गया, तथा इसका संबंध रेशम पालन यानी सेरीकल्चर से है, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। बात करें इस प्रश्न के डिटेल के बारे में, तो भारत के केंद्रीय क्षेत्र की योजना के तहत केंद्रीय रेशम बोर्ड के
माध्यम से देश में सेरीकल्चर का संबंध किससे है, तो रेशम पालन से। के विकास के लिए दोस्तों वर्ष 2017 से 2020 के लिए सिल्क समग्र योजना को लागू किया गया। इस योजना का जो उद्देश्य है घरेलू रेशम की गुणवत्ता और उत्पादकता में सुधार करना है ताकि आयातित रेशम पर देश की निर्भरता कम हो सके। तो आप याद कर लीजिएगा सिल्क समग्र जो योजना है इसका जो संबंध है वो सेरीकल्चर यानी रेशम पालन से है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, हाल ही में किसे अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में MN राव को, यानी ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। हाल ही में MN राव को दोस्तों अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। पिक्चर में ये यहाँ पे आप देख पा रही है MN राव यानी M नागेश्वर राव है, इन्हीं को अग्नि सेवा, नागरिक सुरक्षा व होमगार्ड का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। इसके बाद दोस्तों ये जो राव हैं MN राव, वे CBI प्रमुख आलोक वर्मा का स्थान लेंगे। इसके बाद आज के करंट अफेयर्स का लास्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस देश को राष्ट्रमंडल में शामिल करने की घोषणा की गई? दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले स्लाइड में 19वें राष्ट्रमंडल विदेश मंत्रियों की बैठक की गई तथा इसी बैठक में जो विदेश मंत्रालय है इसने घोषणा की है कि वह पुनः मालदीव को राष्ट्रमंडल में शामिल करेगा, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। मालदीव को पुनः राष्ट्रमंडल में शामिल करने की घोषणा भारत के द्वारा की गई है। तो अगर हम बात करें इस प्रश्न के डिटेल के बारे में, तो भारत ने लंदन में आयोजित विदेश मंत्रियों की बैठक में मालदीव को राष्ट्रमंडल में फिर से शामिल करने की प्रक्रिया में तेजी लाने का आह्वान किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मार्लबोरो हाउस में बुधवार को आयोजित बैठक में विभिन्न मुद्दों पर संबोधन दिया था। उन्होंने इसके साथ ही ब्रिटेन की अपनी यात्रा के दौरान वहां के विदेश मंत्री जेरेमी हंट से द्विपक्षीय वार्ता भी की और बातचीत के बाद जारी एक आधिकारिक बयान में कहा कि विदेश मंत्री ने मालदीव को राष्ट्रमंडल में फिर से शामिल करने की प्रक्रिया में तेजी लाने का आह्वान किया है। तो मालदीव को दोस्तों पुनः राष्ट्रमंडल में शामिल करने की प्रक्रिया तेज हो गई है, ऐसा ऐलान किया है भारत के द्वारा। बात करें अगर हम मालदीव देश के बारे में, तो यहाँ पे मैप में आप देख पा रहे हैं इंडियन ओशियन में स्थित मालदीव यहाँ पे है, ये मालदीव है। इसके बाद मालदीव की राजधानी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो मालदीव की राजधानी क्या है? तो मालदीव की राजधानी की अगर हम बात करें तो मालदीव की राजधानी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो मालदीव की राजधानी मालदीवी है। क्या है? माले। क्या नाम है दोस्तों? माले मालदीव की राजधानी है। इसके बाद एक चीज़ और आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ के राष्ट्रपति तो कौन है? मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम सोलीह। कौन है? इब्राहिम सोलीह। कौन है? इब्राहिम सोलीह प्रेजेंट टाइम में यहाँ के राष्ट्रपति हैं। इसके बाद यहाँ की करेंसी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो मालदीवी रुपया। क्या है? मालदीव की जो करेंसी है दोस्तों, यहाँ मालदीव की करेंसी है मालदीवी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मालदीवी रुपया। क्या दोस्तों? मालदीवी रुपया प्रेजेंट टाइम में मालदीव की करेंसी है। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है इस प्रश्न से रिलेटेड। दोस्तों ये था आज के 13 जुलाई के करंट अफेयर्स का वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।